कृष्ण के भक्तों के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है, क्योंकि इस भूमि ने कई शासकों को देखा है। इस मंदिर परिसर में जाने के लिए एक संकरी सड़क से होकर जाना पड़ता है। मथुरा में प्रमुख तीर्थ स्थान कृष्ण जन्मभूमि मंदिर है। कहा जाता है कि यह जेल की उस कोठरी के चारों ओर बनाया गया है जहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। इसे भगवान की प्रसिद्ध गाथा का केंद्र बिंदु माना जाता है। इस मंदिर का निर्माण कृष्ण के महान पोते वज्रनाभ ने करवाया था। माना जाता है कि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया था। यह भगवान कृष्ण के भक्तों के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है। पिछली कई शताब्दियों से कई बार इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है, क्योंकि इस भूमि ने कई शासकों को देखा है। मंदिरों का वर्तमान समूह 20वीं शताब्दी में किए गए प्रमुख जीर्णोद्धार परियोजना का परिणाम है, और अब इसमें भगवान केशव देव के जन्म स्थान के रूप में स्थित गर्भगृह के साथ साथ प्रभावशाली केशव देव मंदिर और भागवत भवन भी स्थित हैं। इस मंदिर परिसर में जाने के लिए एक संकरी सड़क से होकर जाना पड़ता है। इसके दोनों ओर धार्मिक साज सज्जा सामान बेचने वाली दुकानें हैं। भगवान कृष्ण को समर्पित परिसर में एक छोटा मंदिर है। मंदिर के अंदर की मूर्ति आभूषण से सुशोभित है। परिसर के भीतर एक कुआं भी है, जिसके बारे में यह माना जाता है कि उसी से जेल के कैदियों को पानी पिलाया जाता था। कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में भी भगवान कृष्ण और देवी राधा की मूर्तियों के साथ साथ भगवान कृष्ण की लीलाओं को चित्रित किया गया है। यहाँ जाने पर 3 मुख्य मंदिरों के दर्शन अवश्य करने चाहिए। एक केशव देव मंदिर का निर्माण वर्ष 1958 में रामकृष्ण डालमिया ने अपनी माँ जैडिया देवी डालमिया की स्मृति में बनवाया। द्वितीय गर्भगृह जो कि 8 सहस्त्र योग माया या नंद बाबा की कन्या को समर्पित है। इसमें संगमरमर का मंडप और भूमिगत जेल कक्ष है, जो भगवान कृष्ण के कृपापूर्ण जन्म को रेखांकित करता है। अंत में वर्ष 1982 में पूरा हुआ तृतीय भागवत भवन श्रीमद् भागवत को समर्पित है। मुख्य मंदिर में भगवान कृष्ण और देवी राधा की 6 फुट ऊंची प्रतिमाएं हैं। इसके अलावा भवन में 5 अन्य मंदिर भी हैं। भगवान बलराम, देवी सुभद्रा, भगवान जगन्नाथ इस मंदिर के दाहिनी ओर विराजमान हैं, और भगवान राम, भगवान लक्ष्मण और देवी सीता इस मंदिर के बाईं ओर विराजमान हैं, तथा भगवान हनुमान भगवान राम के मंदिर के आगे विराजमान हैं। यहाँ देवी दुर्गा को समर्पित मंदिर और एक शिवलिंग भी देखा जा सकता है। ये सब कृष्ण जन्मभूमि परिसर में स्थित हैं। यहाँ अन्य भवन भी स्थित हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ एक पुस्तकालय, एक आयुर्वेद भवन और आगंतुकों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय अतिथि गृह भी है। आगामी कृष्ण जन्माष्टमी में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट्स में लिखिए। अगर आपका कोई प्रश्न मन में है तो आप हमें कमेंट्स में मैसेज कर सकते हैं। हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव धार्मिक कंटेंट्स लाते रहते हैं। हम आगे अगले वीडियोस में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्वास्थ्य।